नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, किस्मत की आई बाहर, अब आप सभी की जुनकाल में खुशियों के फूल खिलने वाले हैं। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि कल से आप सभी की जुनकाल में जो ग्रहों की स्थिति होने वाली है, दोस्तों आप सभी को बता दें कि बहुत ही अच्छे प्रभाव आप सभी की जुनकाल पर देखने को मिलेंगे। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कल से आप सभी की जुनकाल में अचानक से बहुत ही बड़ा बदलाव होगा, जिनसे दोस्तों आप सभी को बहुत ही नए नए रास्ते मिलने वाले हैं। जय दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि पिछले समय से चल रही परेशानियों का अंत अब आप सभी के जुनकाल पर होने वाले हैं। परंतु दोस्तों, इनके साथ ही हम आप सभी को चेतावनी दे दें कि कल से आप सभी के जुनकाल में कुछ बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यकता होगी। कुछ लोग आपको गड्ढे में गिराने के पूरे प्रयास में लगे हुए हैं। जय दोस्तों, अगर आप दोस्तों इनकी बातों में आ गए तो दोस्तों धर धर आंसू रोना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये आपकी जीवनकाल को पूरी हालातों की ओर ले जाएंगे। जी दोस्तों, दोस्तों ऐसे में आप सभी से हमारा बस यही निवेदन है कि दोस्तों आज के इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सावधानियां भी बताएंगे और कौन सी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं, इन सभी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, उससे पहले दोस्तों जो भी भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव लिख दें। भगवान शनिदेव की असीम कृपा आप सभी को प्राप्त होगी। जी दोस्तों, तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान से, बहुत ही महत्वपूर्ण वाणी से, जो कि दोस्तों कल से आप सभी को जुनकाल में अपने जुनकाल में ढाल लेने हैं। जी दोस्तों, और यकीन मानिए इनसे आप सभी को जुनकाल में बहुत ही बड़ा चमत्कार होगा। तो दोस्तों बातों को आप बहुत ही ज्यादा गौर से सुने कि दोस्तों अगर आप अपने रिश्तों के फूल खिलाए रखना चाहते हैं तो वह कैसा ही रिश्ता हो, उसके पौधों की जड़ों में बिना किसी की अपेक्षा के पानी देते रहें। चाहे वो आपका दोस्त हो, पति पत्नी, भाई बहन या फिर कोई रिश्तेदार ही सही, किसी से कोई अपेक्षा मत रखो, बल्कि कोशिश करो कि आप उनके भरपूर काम आ सको। यह तर्क बीच में मत लाओ कि आपको नहीं पूछते तो आप उन्हें क्यों पूछे। इस तर्क के पार निकलने पर ही रिश्तों की मिठास का सुख मिलता है। जी दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको यह बातें अच्छी लगी हो या बातों को आप समझ पाए हैं तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आइए दोस्तों से के साथ बात करते हैं कि कल से आप सभी के जुनकाल में कौन कौन से बड़े चमत्कार होंगे। दोस्तों यश में आपको अपने किसी मेहनत व फिर प्रयास के सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे। राजनीतिक तथा सामाजिक संपर्कों को और अधिक मजबूत करें। दोस्तों यश में नई योजनाएं बनाने तथा नए उपक्रम करने के लिए जो दिन होंगे, जो समय होंगे, आपके लिए बहुत ही अनुकूल समय होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में ध्यान रखें कि आपकी ही कोई गलती आपके लिए परेशानी का कारण बनेगी। दोस्तों यश में आपको बता दें कि अपने निकट संबंधियों के साथ संबंध को मधुर बनाकर रखना आपके लिए इसमें आवश्यक होगा। बच्चों की गतिविधियों और संगति पर आपको इसमें निगरानी रखना चाहिए। दोस्तों ये आपके लिए बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि आप पर काम का बोझ इसमें बढ़ेगा। दिन भर भाग दौड़ी आपकी बढ़ सकती है, लेकिन दोस्तों काम भी आपके वक्त पर पूरे होते जाएंगे। जिन बातों का इंतजार आपको काफ़ी दिनों से चल रहा था, दोस्तों ऐसी ही बातों में बदलाव देखने के लिए आपको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। इसके उपरांत दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए, आपको बता दें कि समय सामान्य फलदायक रहेगा। कोशिश करने से मन चाहे कार्य भी पूरे हो सकते हैं, परंतु बहुत ज़्यादा लाभ तो नहीं होगा, पर नुकसान की भी संभावना बहुत कम होगी। आपको बता दें कि घर में सुख शांति व्याप्त रहेगी। बच्चों के कार्यों में आपका पूर्ण सहयोग रहेगा। आप श्रेष्ठ माता पिता भी इसमें शामिल होंगे। इसके उपरांत दोस्तों व्यर्थ की उलझन में पड़कर अपना समय बर्बाद ना करें। कभी कभी दिक्कतों की वजह से वाणी और व्यवहार में जो है तलखी रह सकती है। इसमें आर्थिक स्थिति सामान्य होने की वजह से खर्चों में कंट्रोल करना आपके लिए इसमें उचित रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों ये समय कठिन परिस्थिति में भी आपका इसमें वर्चस्व बना रहेगा। परिस्थिति को आपके पक्ष में करने के लिए अपने निर्लेप पर डटे रहना आपके लिए बेहद जरूरी होगा। कोर्ट कचहरी संबंधी कामकाज में देरी हो सकती है, लेकिन अंत में निर्णय आपके पक्ष में ही होने वाले हैं, तो दोस्तों चिंता करने की कोई बात नहीं है। और इसके उपरांत दोस्तों यश समय होंगे आपके लिए, आपको बता दें कि दोस्तों यश में आप कार्य में बड़ा सफलता हासिल करने वाले हैं। अचानक ही कोई आपकी कार्य सिद्ध हो सकती है,
सिर्फ दूसरों की उम्मीद करने की अपेक्षा आपको अपनी मेहनत और कार्यक्षमता पर इसमें विश्वास रखना चाहिए। आपको बता दें कि घर के वरिष्ठ सदस्यों के मान सम्मान व फिर सेवा में किसी प्रकार की कमी ना करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे, क्योंकि दोस्तों इनका आशीर्वाद ही आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। कभी कभी ज़्यादा जो है प्राप्ति की इच्छा और काम के प्रति जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदायक रह सकती है। व्यवस्थित तरीके से अपने कार्यों को निपटाने का प्रयास करें और दोस्तों जो मिल रहा है उसी में संतोष रखना आपको इसमें तनाव मुक्त रखेगा। और इसके उपरांत दोस्तों ये समय आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों आपके द्वारा तय की गई योजनाएं सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगी, जिसकी वजह से आपका खुद के प्रति और लोगों का आपके प्रति विश्वास बढ़ सकता है। आपको बता दें कि आपको दी गई जिम्मेदारी बखूबी निभाने में आप सक्षम रहेंगे और यशमी आपको इनसे आदर सम्मान भी प्राप्त होगा। दोस्तों आपको बता दें कि परिवार में खुशहाली भरा वातावरण भी यशमी रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यशमी आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों समय घर के रखरखाव तथा सुधार संबंधी कार्यों की रूपरेखा भी बना सकते हैं, परंतु जो समय होंगे आपके लिए ग्रह स्थिति यह भी सचेत कर रही है कि दोस्तों वित्त योजनाओं संबंधी कार्यों पर यशमी आपको अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी या फिर विशेष ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। आपको बता दें कि किसी धार्मिक यात्रा का भी प्रोग्राम यशमी बन सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों जो समय होंगे आपके लिए किसी अनजान व्यक्ति पर आपको अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए और ना ही उनकी बातों में यशमी आपको आना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई अथवा करियर को लेकर आपको चिंता सता सकती है, परंतु अपने व्यवहार को स्वयं बनाकर रखना यशमी आपके लिए जरूरी होगा। और इसके उपरांत दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए, आपको बता दें कि गलत व्यक्ति पर विश्वास दिखाने की वजह से पैसे संबंधित नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। पैसे संबंधित व्यवहार करते समय अधिक जागरूकता रखें। काम संबंधित दस्तावेज जब तक पूरे नहीं होते तब तक काम की शुरुआत ना करें। आपको बता दें कि वरना तकलीफ होने की आशंका भी बन रही है। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी करियर को लेकर बात करें अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों इसमें व्यापार में वर्तमान परिस्थिति की वजह से जो है अभी नई योजनाएं बनाने के लिए समय उतना उचित नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। दोस्तों जो वर्तमान में चल रहा है उसी पर आपको इसमें ध्यान को केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। दोस्तों ये आपके लिए इसमें भाग्यशाली होंगे, ज़्यादा मेहनत और परिणाम कम जैसी स्थिति भी इसमें रह सकती है, परंतु फिर भी आपका आर्थिक समस्या इसमें दूर होंगी। इसमें आपकी जो भी संकट समस्या है इसमें आपके दूर होंगी। इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके करियर के लिए जिसमें होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों इसमें कंप्यूटर मीडिया मार्केटिंग आदि से जुड़े व्यवसाय में शुभ अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो जो भी लोग इसमें इनमें हैं उनको इसमें लाभदायक परिस्थितियाँ देखने को मिलेंगी। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें व्यवसाय में कुछ समस्याएँ भी उभर सकती है। दोस्तों ये जो समय होंगे आपके लिए किसी अनुभवी या फिर राजनीतिक व्यक्ति की मदद लेना आपके लिए उचित रहेगा। तनाव लेने के बजाय विवेकपूर्ण तरीके से समस्याओं का समाधान करें। दोस्तों ये आपके लिए इसमें बेहतर साबित होंगे। युवाओं को भी नए रोजगार की प्राप्ति हो सकती है या फिर नए रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके करियर के लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें व्यवसाय की स्थितियाँ तो सामान्य रहेंगी, लेकिन जरूरत के मुताबिक इनकम के सोर्स भी बने रहेंगे। दोस्तों यशमी अपनी कार्य प्रणाली में बदलाव लाने की कोशिश करें। नौकरी पेशा इंसान ऑफिस में चल रही किसी राजनीति से दूर रहें। दोस्तों अपने काम से ही आप यशमी मतलब रखें, ये आपके व्यवसाय के लिए इसमें बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यशमय पारिवारिक वातावरण सुखद और शांतिपूर्ण बना रहेगा। किसी विपरीत लिंगी मित्र से भावनात्मक लगाव भी यशमय बढ़ सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपकी लव लाइफ के लिए जैसे होंगे, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जैसे होंगे, आपको बता दें कि व्यवसायिक तनाव का असर अपने दाम्पत्य जीवन तथा घर परिवार पर ना पड़ने दें। परिवार के साथ अपनी समस्याओं को साझा करें, अवश्य उचित परिणाम या फिर उचित सलाह आपको मिलने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लव लाइफ के लिए जैसे होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि पति पत्नी के बीच रोमांटिक संबंध रहेंगे। प्रेम विवाह के इच्छुक लोगों को भी इसमें कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिनसे आपका मन भी इसमें गदगद रहने वाले हैं। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि घर के मामलों में अत्यधिक हस्तक्षेप ना करें। इससे दोस्तों घर का वातावरण जो है मधुर बना रहेगा तथा सदस्यों के बीच भी आपसी सामंजस्य बढ़ेगा। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें, तो दोस्तों यह समय नकारात्मक माहौल के बीच धैर्य और संयम रखें, अन्यथा इसका दुष्प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों इसमें आपके स्वास्थ्य के लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों स्वास्थ्य आपका अंत में ठीक होगा,
चिंता ना करें, अपना इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाकर रखें और इनके लिए इसमें आपको योगा और मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए। दोस्तों यश में मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आपको ध्यान और मेडिटेशन का भी सहारा लेना चाहिए। आपको बता दें कि दोस्तों ये जो समय होंगे आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके जोड़ों में या फिर टांगों में दर्द की समस्या भी रह सकती है। वायु बाधा वाली चीज़ों का सेवन ना करें तथा सर्दी से अपना बचाव अवश्य करें। दोस्तों ये सभी चीज़ आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे तो इन्हें जरूर फॉलो करें।